हे गाइस, तो कैसे हो आप लोग। तो आज हम बात करेंगे मार्वल स्टूडियो की अपकमिंग जो सीरीज आ रही है एनिमेटेड स्पाइडरमैन, उससे रिलेटेड एक ब्रेकिंग अपडेट आया है, कंफर्म करता है कि उसकी स्टोरी क्या होने वाली है। तो काफी टाइम से अपडेट चल रहा था, रूमर चल रहा था कि ये सिविल वॉर से पहले की स्टोरी होगी, जिसमें कि हमें बताया जाएगा कि टॉम हॉलैंड का जो स्पाइडरमैन है वो एक्चुअल में कैसे बना, वो स्टार्क टेक्नोलॉजी या स्टार्क की प्रॉपर्टी कैसे बना। तो ऐसे कुछ अपडेट्स आ रहे थे, बट आज के दिन कन्फर्म हो चुका है जो अपकमिंग एनिमेटेड सीरीज आ रही है टॉम हॉलैंड वाली, वो एक्चुअली में एक मल्टीवर्स है। अब हमने अर्थ 616 में देखा था कि स्पाइडरमैन को टेक ओवर किसने करा था, टोनी स्टार्क ने, फिर उसके बाद वो सिविल वॉर में आया। बट यहाँ पे मल्टीवर्स की स्टोरी में हमें देखने को मिलेगा कि भाई नॉर्मन ऑसबोर्न ने स्पाइडरमैन को टेक ओवर करा, फिर उसके बाद उसने सिविल वॉर ज्वाइन करा। और देन ये मल्टीवर्स स्टोरी होने के साथ साथ ये काफ़ी डिफरेंट टाइप के कैरेक्टर्स होंगे इसमें, डिफरेंट टाइप की इनकी स्टोरीज होंगी, और पूरी स्टोरी आने वाले एंड गेम तक ये डिफरेंट ही चलेगी। तो इसलिए इस सीरीज को बनाने में टाइम लग रहा है, और ये सीरीज साल 2024 में रिलीज होगी, और इसका सीजन 2 भी ऑलरेडी कन्फर्म है, जो कि आने वाले टाइम में शायद मे बी सीक्रेट वॉर के बहुत रिलीज होगी। तो मैं तो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ ऐसी एनिमेटेड मल्टीवर्स स्टोरी के लिए। आप कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं।